Good morning to everyone. Dear all, today I will work on the topic whose name is surface area and volume. बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में आपको डिस्कस किया था कि क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर ये तीनों यूनिफॉर्म सॉलिड है और उनके वॉल्यूम को कैसे निकाला जाता है. उसके बाद मैं डिस्कस किया हूँ आप लोगों के समझ कि क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है. तो आज मैं क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर इन तीनों का टोटल सरफेस एरिया के साथ साथ CSA, LSA, लेंथ ऑफ डायगोनल, LSA क्या होता है, CSA क्या होता है, इन सारे टॉपिक पर हम लोग बारी बारी से वर्क करेंगे. चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. तो बच्चों, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो टॉपिक है उसमें मैं भी आपको डिस्कस करूंगा कि हमारे पास अगर एक क्यूबॉइड, सपोज इट इज एक क्यूबॉइड एंड वी ऑल नो दैट क्यूबॉइड इज मेड फ्रॉम सिक्स फेस ऑफ रेक्टेंगल. हम सभी जानते हैं कि क्यूबॉइड रेक्टेंगल के सिक्स फेस से बनता है. ठीक है, ये क्यूबॉइड है जिसका नाम हमने मान लिया एबीसीडी. एबीसीडी ईएफजीएसएस आठ जो इसके वर्टेक्स हैं उसको हम लोग एबीसीडी तरह से काउंटिंग कर लेंगे. चलिए इसका वॉल्यूम सबसे फर्स्ट टॉपिक निकालना है. वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट. ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट. तो इसका वॉल्यूम होगा लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. कैसे होगा इसको मैं लास्ट क्लास में, लाइव क्लास में इसको प्रूफ भी किया है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. ठीक है, उसके बाद PSA जिसकी बात करेंगे इसको टोटल सरफेस एरिया होता है. और टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि छह फेस के एरिया को जोड़ना है. अगर हम छह फेस के एरिया को अच्छे से ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया के लिए छह फेस का, बोली इस फेस का एरिया क्या होगा, एल इंटू बी. जब इस फेस का एरिया एल इंटू बी है तो टॉप वाले फेस का एरिया भी एल इंटू बी होगा. दैट मीन्स एल इंटू बी प्लस एल इंटू बी कैन बी रिटन एज टू इंटू एल. फ्रंट फेस सामने फेस की बात करें तो ये क्या है, एल एल इंटू एच, एल इंटू एच फ्रंट फेस का और इसके जस्ट बैक फेस का एरिया भी एल इंटू एच होगा. तो एल इंटू एच प्लस एल इंटू एच को टू इंटू एल एच कहेंगे. दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं टू एल एच. तो बच्चों, अगर हम इन तीनों से दो को कॉमन निकाले बाहर, दो कॉमन बाहर निकालने के बाद एल बी प्लस डी एच प्लस एल एच, दो कॉमन निकाल दिया गया, उसके बाद जो कुछ बाहर आया दैट इज कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया जिसका फॉर्मूला है टू इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच. यहां से मैंने अभी ये प्रूफ कर दिया कि टोटल सरफेस एरिया किस तरह निकाला जाता है. इसके बाद आप लोग बात करेंगे लैटरल सरफेस एरिया. एक बात मैं और आप लोगों की समझ रखना चाहता हूँ कि लैटरल सरफेस एरिया खास करके तब यूज करते हैं जब कोई भी सॉलिड का ऑल सरफेस बिल्कुल प्लेन स्मूथ हो. और अगर किसी सॉलिड का सरफेस कर्व होता है, लाइक सिलेंडर कर्व है, कौन वो भी सिर्फ कर्व है, स्फेयर भी कर्व है, हेमिस्फेयर भी कर्व है, तो वहाँ हम लोग को यूज करना पड़ेगा LSA नहीं बल्कि LSA का ही अल्टरनेट वर्ड है जिसको हम लोग CSA कहते हैं. दैट मीन्स LSA हमें तब यूज करना पड़ेगा जब क्या होगा, LSA तब यूज करना पड़ेगा बच्चों जब लैटरल सरफेस से क्या होगा, फ्लैट सरफेस होगा, दैट मीन्स प्लेन होगा. और अगर सरफेस कर्व है लाइक सिलेंडर, लाइक कौन, लाइक स्फेयर, लाइक हेमिस्फेयर, देन वी हैव टू टेक व्हाट लैटरल टोटल कर्व सरफेस एरिया, इन शॉर्ट वी कैन से व्हाट CSA. तो आप लोग ठीक है, LSA और CSA का यूज करें. LSA यहाँ पर आएगा, LSA जिसको हम लोग एरिया ऑफ फ्लो बात कर सकते हैं. LSA जिसे हम लोग एरिया ऑफ फोर वाल भी कर सकते हैं. एरिया ऑफ फॉर वाल भी से हम लोग कर सकते हैं.
तो बच्चों एरिया ऑफ फोर्ड वॉल इसको हम लोग कह सकते हैं। तो इसका एरिया निकालने का मतलब होता है बैक फेस, सॉरी लोअर मोस्ट फेस और टॉप मोस्ट फेस, दैट मीन्स बॉटम और टॉप, बॉटम और बीम, बीम मीन्स भी होता है टॉप, तो बॉटम और बीम के एरिया को आपको रिमूव करना, मींस बॉटम और बीम के सरफेस को हटा देना। बॉटम मीन्स सरफेस, बॉटम हो गया जो आप सबसे नीचे का बेस, और बीम मतलब टॉप, टॉप सरफेस, टॉप सरफेस और लोअर मोस्ट सरफेस दोनों सरफेस को रिमूव कर दें, सिर्फ चार दीवार बचे, है ना। तो चार दीवार के एरिया को निकालना ही एल एस ए कहलाता है, जिसे हम लोग लैटरल सरफेस एरिया का नाम दे देते हैं। तो बोलो यहाँ पर कुल मिला के कितने एरिया है, टू एल बी प्लस टू बी एच प्लस टू एल एच में निकाल देना होगा। किसको निकालते हैं, इस टॉप टू सरफेस बॉटम टॉप के सरफेस को निकालना है। तो इसका एरिया कितना है, एल इन टू बी, इसका एरिया एल इन टू बी, एल इन टू बी प्लस एल इन टू बी, टू एल बी, टू एल बी निकाल दो, टू एल बी निकाल दो, टू एल बी यहाँ से कट जाएगा। जब बच्चों टू एल बी यहाँ से कट जाएगा तो आपके पास बचेगा टू एच बी प्लस एल, जिसको हम लोग टू एच एल प्लस बी प्लस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल लैटरल सरफेस एरिया। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, लैटरल सरफेस एरिया का हो गया, जिसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ चार दीवार के एरिया को निकालना। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं लैटरल सरफेस एरिया के बाद का जो पॉइंट होगा वो इस तरह से होगा, सपोज किया जाए आपको निकालना है लेंथ ऑफ राइट वॉल, ये तीन फॉर्मूला मिल गया हो गया, इसको आप ध्यान रखिए। चलिए अब नेक्स्ट है लेंथ ऑफ राइट वॉल के संदर्भ में, सपोज दैट यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल की लंबाई मान लीजिए, ठीक है, तो डायगोनल की लंबाई को हम लोग किस तरह से निकालेंगे इस पर गौर कीजिए। देखिए हम सब जानते हैं कि क्यूबॉइड में कुल मिलाकर के कितने डायगोनल्स हैं, चार डायगोनल्स, क्यूबॉइड में कुल मिलाकर के चार डायगोनल्स हैं। और डायगोनल्स क्या होता है, तो बच्चों अपोजिट वर्टेक्स, इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे, जो लाइन ज्वाइन करेगा दैट इज कॉल्ड डायगोनल, इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे दैट इज कॉल्ड डायगोनल, इस वर्टेक्स को इससे ज्वाइन करेंगे दैट इज आल्सो कॉल्ड डायगोनल, एंड दिस वर्टेक्स इज व्हेन कंबाइंड विद दिस वर्टेक्स दैट इज आल्सो कॉल्ड डायगोनल। अपोजिट वर्टेक्स का कोई भी पेयर उठाओ और उसे ज्वाइन कर दो दैट इज कॉल्ड इट्स डायगोनल, ठीक है, इन क्यूबॉइड, और क्यूब में वैसा हो सकता है। तो लेंथ ऑफ डायगोनल हमें निकालना है, तो लेंथ ऑफ डायगोनल को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले एक सिंपल समझिएगा, ये जो आप देख रहे हाइट, ये हाइट निश्चित रूप से 90 डिग्री बना रहा है बेस के साथ और 90 बना रहा है लोअर मोस्ट सरफेस के साथ। ये जो हाइट है वो नीचे जो बेस वाला एक सरफेस है उसके साथ भी 90 बना रहा है, और ये डायगोनल मैं खींचा हूं जिसका नाम सपोज करो मैं दे रहा हूं AB, AB इज नॉट द डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, इन द फिगर AB इज डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इन द बेस, बेस में जो रेक्टेंगल है उसके डायगोनल को दिखा रहा हूं AB, और अगर मैं ये खींचू तो व्हाट इज दिस, दिस इज द डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, ये डायगोनल क्यूबॉइड का जो निकालना है, और ये बच्चों क्या है, ये हम लोगों का हाइट, दिस इज सेड टू बी हाइट, ये हम लोगों क्या है हाइट, तो ये हाइट है, ये डायगोनल क्यूबॉइड का और ये डायगोनल का रेक्टेंगल का, दैट मींस बेस का। तो लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना है, दैट मींस हमें निकालना है एसी, एसी इक्वल टू कोसाइन वन व्हिच वी हैव टू फाइंड आउट, ये हमको निकालना है बच्चों। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो AB निकालना पड़ेगा, क्योंकि AC को आप क्या कहो, AC एक राइट ट्रायंगल, कौन राइट ट्रायंगल, AC B, AC भी राइट ट्रायंगल में, AC स्क्वायर को आप बिल्कुल लिख सकते हो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बिल्कुल सही है, AC स्क्वायर को लिख सकते हो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आप लिख सकते हो AC स्क्वायर,
तो एसी स्क्वायर को आप निकालना है, एसी स्क्वायर को निकालने के लिए आप एबी चाहिए, बोलो एबी स्क्वायर को तुम क्या लिख सकते हो? इस राइट ट्रेंड में दिखाई पड़ रहा होगा ए बी डी, यदि राइट ट्रेंड तो 90 यहां ही बन रहा है, बेस रेक्टेंगल ही बन रहा है, 90 यहां भी एबी स्क्वायर को आप लिखोगे एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर इस राइट ट्रेंड में बी डी। तो बोलो आप AD स्क्वायर को आप बिल्कुल लिख सकते हो AD स्क्वायर डेट मींस L का स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर डेट मींस B का स्क्वायर। तो बच्चों इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, तो फ्रॉम 1 मींस इक्वेशन 1 से अब आप कहोगे कि सर AD स्क्वायर को हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं AD स्क्वायर, और AD स्क्वायर के बराबर यहां से पुट करेंगे L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और BC का मान साफ दिख रहा है इसके इक्वल है S के इक्वल, उसकी लंबाई को ये दिखा रहा है। अगर कहीं पर किसी को कोई भी समस्या है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज इसे आप लोग पहले अच्छे से वीडियो को पॉज करके लिखिए। स्टार्ट करो, हो गया फास्ट को लिखो बाबू, जिस तरह से मैंने आपको ये सारा जो लेंथ ऑफ डिवाइड हो गया या डायगोनल्स हो गया या फिर आपका पिरामिड का सीएसए हो गया या पीएसए हो गया, इन सब को जिस तरह निकाले हैं सेम वैसे ही हम लोग क्यूब का निकालना होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्यूब का, इसको आप लोग नोट करने के लिए वीडियो को पॉज कीजिएगा और अपने क्लासवर्क की कॉपी में जरूर नोट किया कीजिए। तो बच्चों हम लोग का अगला टॉपिक है जिसका हम लोग काम करेंगे वो है क्यूब। देखिए क्यूब में हम सब जानते हैं क्यूब ये एक सॉलिड है, जैसे आप लूडो का पासा बोलते हैं उस सेप में ही है। क्यूब एक सॉलिड है जो किस चीज से बना है, सिक्स फेस ऑफ अ स्क्वायर से। क्यूब इज फॉर्म्ड फ्रॉम सिक्स फेस ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर के 6 फेस से बनता है बाबू क्यूब, ठीक है। तो हम लोग क्यूब की बात करते हैं, क्यूब का ये अगर लेंथ ये है तो ब्रेथ भी ये होगा, हाइट भी क्या होगा, ठीक है। क्यूब किस से बना है, 6 फेस ऑफ स्क्वायर से बना है। इसका वॉल्यूम L मींस A, B मींस A, S मींस A, तो V इक्वल टू A क्यूब है, और इसके वैल्यू के लिए भी हम लोग क्यूबाइड के फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। चूंकि आप पढ़े होंगे एवरी क्यूब मस्ट बी ए क्यूबाइड, जैसे आप एवरी स्क्वायर मस्ट बी ए रेक्टेंगल बोलते हैं वैसे ही एवरी क्यूब मस्ट बी ए क्यूबाइड। क्यूबाइड के सारे फॉर्मूला को ये ऑब्वे करेगा, बस यहाँ पर इतना ही अंतर है क्यूबाइड में लेंथ ब्रेथ हाइट था, यहाँ पर लेंथ भी है ब्रेथ भी है और हाइट भी ए यूज करना, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होगा, साइड क्यूब जिसको हम लोग ए क्यूब कहेंगे। बॉटम सरफेस को रिमूव कर दो उससे 4 फेस बनेंगे, इस चारों फेस का एरिया इसके इक्वल होगा 4a स्क्वायर के इक्वल होगा, दैट मींस इसे आप लिख सकते हैं 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर क्या हो गया, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ a क्यूब, ठीक है। तो c से हो गया, किससे हो गया, अब आइए फिर लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल की लंबाई अंडर रूट, लेंथ भी a, ब्रेथ भी है और हाइट भी है,
3 को रूट से बाहर निकाले, रूट 3 इनटू a, दैट मींस रूट 3 इनटू साइड. दिस इज सेड टू बी द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए क्यूब. ठीक है, यहां से क्यूब का वॉल्यूम भी प्रूफ हो गया, क्यूब का TSA प्रूफ हो गया, क्यूब का CSA प्रूफ हो गया और लेंथ ऑफ डायगोनल भी क्यूब का प्रूफ हो गया. ठीक है, तो इसके बाद का टॉपिक हम लोग का सिलेंडर है, जिस पर हम लोग काम अगले क्लास में करेंगे. आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से हर चीज को नोट करोगे, उसके बाद में आगे. थैंक यू बाबू, आज के लिए.